मेरा लैपटॉप का मॉडल नंबर है 3038TU, HP का लैपटॉप है, इंटेल i3 प्रोसेसर का है, 11 जेनरेशन का। तो इसमें विंडोज 10 प्री इंस्टॉल था। विंडोज इंस्टॉल करने के लिए जाता हूँ तो इंस्टॉलेशन ड्राइव, जो सेकेंडरी ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क और SSD, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैं इस लैपटॉप के अंदर USB ड्राइव से बूट कर रहा हूँ। विंडोज 10 और 11 का जो मीडिया क्रिएशन टूल है, उस टूल से हम जब भी विंडोज 10 और 11 का USB ड्राइव बनाते हैं, बूटेबल ड्राइव, उस ड्राइव के अंदर स्टोरेज ड्राइवर नहीं आता है। उसको वो ड्राइवर आपको अलग से डाउनलोड करके अपने पेन ड्राइव के अंदर देना पड़ेगा। तो जब भी आपको विंडोज इंस्टॉल करने के टाइम ड्राइव नहीं दिखाएगा, वो ब्राउज करके वो वाला फाइल आप लोकेट कर दीजिएगा, वो अपना लैपटॉप के अंदर जितने भी ड्राइव है, SSD मान लो और हार्ड ड्राइव मान लो, सब लिस्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मालूम है कैसे विंडोज इंस्टॉल करना है, वो आपको पता ही हो। उसके बाद आप अपना प्रोसेस ठीक ठाक से काम करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।